वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। लास्ट अपनी क्लास हुई थी जो वेबस्टर मेथड पे थी, नेक्स्ट क्लास जो है वो आईआरसी मेथड की है। वेबस्टर के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो वेबस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था। अभी क्या है, जो आईआरसी है वो आईआरसी इतना नहीं आता, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग आ जाती है। तो आपको सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग एक क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा आईआरसी बताते हैं कि आईआरसी कैसे होता है। तो स्टेप के वाइज करेंगे। ये याद रखना कि जब भी हम आईआरसी मेथड की बात करते हैं, तो आईआरसी में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग होती है वो अप्रोक्सीमेट मेथड से, तो इसकी डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग सारी अप्रोक्सीमेट मेथड से होती है। और बात करें कि इसका अब चेक, तो चेक किसकी वजह से लगता है, ये लगता है वेबस्टर मेथड। कहने का मतलब ये है कि आईआरसी मेथड में जो पूरी डिज़ाइनिंग है वो तो अप्रोक्सीमेटेड मेथड की वजह से है, और जो चेक है वो वेबस्टर मेथड की वजह से है। मतलब क्या हुआ, पहले अप्रोक्सीमेट मेथड में थोड़ा सा चेंज है, आईआरसी में थोड़ा सा चेंज है। उसमें अपन निकालेंगे साइकिल लेंथ निकालेंगे, और यहाँ पर भी फिर निकालेंगे किससे साइकिल लेंथ निकालेंगे, आपकी ये क्या बोलते हैं इसको, वेबस्टर मेथड से साइकिल लेंथ निकालेंगे, दोनों सेम आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि आपका आईआरसी से होगी डिज़ाइन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये याद रखना कि आईआरसी है क्या, अप्रोक्सीमेशन और आपका वेबस्टर दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। दूसरी चीज़ कि आईआरसी अपन जनरली डिज़ाइन करते हैं तो आप क्या करोगे, दोनों के चेक लगाओगे। चेक कौन कर रहा है, वेबस्टर मेथड चेक कर रहा है, और अप्रोक्सीमेट मेथड क्या कर रहा है इसका, अप्रोक्सीमेट मेथड इसके क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें डिज़ाइनिंग करता है। अब ये याद रखना कि आईआरसी मेथड में एक और चीज़ याद रखना कि जब हम आईआरसी मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये याद रखना, अपन क्या मानते हैं कि यदि ये व्हीकल एक के पीछे एक है, मतलब क्या हुआ, एक व्हीकल, दो व्हीकल, तीन व्हीकल, ऐसे व्हीकल लगे हुए हैं, तो क्या होगा कि जब व्हीकल इतने लगे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इस व्हीकल को, ये व्हीकल जो जाएगा पहले वाला व्हीकल, दूसरे वाला व्हीकल, तीसरे वाला व्हीकल, तो ये जब व्हीकल जो है यहाँ पर क्या है, अपना रेड सिग्नल है। अभी क्या है, रेड सिग्नल है यहाँ पर, और ये रेड सिग्नल जब चेंज होगा, किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा, तो ये जो ये फर्स्ट वाला है वो तो कितना लगाएगा, 6 सेकंड लगाएगा क्या करने में, यहाँ से यहाँ जाने में। और उसके पीछे वाले जो हैं वो क्या हैं, वो सारे क्या हैं, वो ज़रूरी नहीं है 6 सेकंड लगाएं, वो क्या 6 सेकंड से कम सेकंड लगाएंगे, मतलब अपन मान के चल रहे हैं 2 सेकंड लगा रहे हैं या कोई और सेकंड लगा रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं स्टार्टिंग का जो ये 6 सेकंड लगा रहा है वो पहला वाला जो जाने के लिए लगा रहा है। तो ये हम ये मान के चलते हैं कहाँ पर, कि आईआरसी में हम ये मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग वाला जो व्हीकल है वो 6 सेकंड लगा रहा है। तो हम ये करेंगे, जब अपन करेंगे आईआरसी मेथड, तो हम एक चेक लगाएंगे जिसमें हम ग्रीन टाइम लिखेंगे। तो ग्रीन टाइम में लिखेंगे हम कि ग्रीन टाइम में 6 × 1 प्लस में एक्स ए माइनस 1 × 2, हम ये मान के चल रहे हैं इसमें ये मान के चल रहे हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आईआरसी में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो अप्रोक्सीमेट मेथड से काम होगा सारा, और अप्रोक्सीमेट मेथड अपन ने पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मेथड में थोड़ा चेंज क्या करेंगे कि जब अपन ग्रीन टाइम निकालेंगे तो ग्रीन टाइम में अपन को देखना, ग्रीन टाइम में यहाँ लिखेंगे कि 6 × 1, और 6 × 1 का मतलब क्या हुआ कि 6 सेकंड लग रहा है सिर्फ एक व्हीकल को, जो स्टार्टिंग वाली व्हीकल की क्यूब है ना, मतलब ये स्टार्टिंग में जो व्हीकल खड़े हुए होंगे उनको रेड से ग्रीन होने में, तो ग्रीन का कुछ टाइम वो क्या कर देंगे, लॉस्ट कर देंगे। कैसे लॉस्ट कर देंगे, कि वो स्टार्ट करेंगे और फिर चलेंगे, ठीक है। तो वो रिएक्शन टाइम, पीछे वाले तो साथ साथ चलते जाएंगे लेकिन ये जो रिएक्शन टाइम पहले वाले का वो क्या होगा, 6 सेकंड। अपन वैसे होता क्या है कि एक लाइन और दो लाइन दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन अपन ये मान के चल रहे हैं कि एक लाइन को लगा है 6 सेकंड, लेकिन जो पीछे वाली लाइन है वो प्रिपेयर हो गई है तो उसको क्या लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है सारी लाइन को। तो हम ये मान रहे हैं 6 × 1 प्लस में 6 × x − 1 × 2, सेम चीज़ ऐसे जी बी इक्वल्स टू 6 × 1 प्लस में एक्स बी माइनस 1 × 2, ठीक है। ये हो गया ग्रीन ए, ये क्या हो गया जी ए, और ये हो गया जी बी, ठीक है। अभी ये क्या मतलब, मैंने आपको बताया कि आईआरसी मेथड को कैसे यूज़ करना है। अभी देखो आपका क्या है, ये आपका आईआरसी मेथड है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसे करना है। अभी मैंने बोला किस मेथड से करना है, अप्रोक्सीमेट मेथड से करना है स्टार्टिंग में, बाद में क्या करना है आपको, अब आप स्टेप स्टेप पे जाना है, फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप, ऐसे जाना। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन की, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप वन सुना क्या है, रोड ए हैज़ टू लेन,
टू लेन, मतलब रोड ए जो है वो टू लेन है, 1000 है एक में, एक 400 है, विद अ टोटल विड्थ ऑफ 12। मतलब क्या हुआ, रोड ए की जो विड्थ है डब्ल्यू ए, जो रोड ए की विड्थ है डब्ल्यू ए, वो कितनी है 12 मीटर। रोड बी की जो विड्थ है वो कितनी है 6.6 मीटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स। अब सुनना, सैचुरेशन पूछा है, सैचुरेशन दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो हमेशा याद रखना जो रोड ए है और रोड बी है इसका मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम देखो, इन दोनों में से मैक्सिमम फ्लो किसका है, मैक्सिमम फ्लो है 300, तो हम ये बोलेंगे 300। हमको सारी जो वैल्यू है वो किससे करनी है, 300 पर आर से निकालनी है। इस रोड ए पे टू लेन है और उसमें मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम है टू लेन बोला है ना, तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इनमें से कितना है 500। टू लेन नहीं, यहाँ पे लिखो फोर लेन और यहाँ पे करो 1000 और 1000 को क्या डिवाइड कर दो। अब सुनना यहाँ पे, अब ये क्या पे, यहाँ पर क्या दिखा रखा है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है फोर लेन, और फोर लेन को किस में डिवाइड करोगे, पहले टू लेन में डिवाइड करोगे, तो 1000 डिवाइडेड बाय टू करोगे, मतलब क्या हुआ 500, तो 500 PCU पर आर। अब इनका जो है और इसका 400 से करोगे तो क्या होगा, 200 PCU पर आर आएगा। तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना हुआ, इन दोनों का मैक्सिमम हमको लेना है आपका 500 PCU पर आर। मेरे कहने का मतलब है जो फ्लो है वो दोनों में से मैक्सिमम लेना है। तो हमने बोला यहाँ में से क्या ले लिया, हम यहाँ से तो क्या ले लिया 500, ये हमने फोर लेन चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे फोर लेन है, तो फोर लेन का मतलब क्या हुआ, दोनों डिवाइड होगा, मतलब क्या हुआ कि हाफ कर दिया। क्यों, यहाँ पे टू लेन है, यहाँ पे भी टू लेन है, अब दोनों इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले से टू लेन है और ये भी टू लेन हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 500 कर दिया। अब क्वेश्चन सुनना, स्टेप वन, अप्रोक्सीमेट मेथड में करते क्या थे, करते क्या थे कि वहाँ पर था कि पेडेस्ट्रियन के लिए ग्रीन टाइम क्या करते थे, क्लियरेंस इंटरवल बराबर डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी बाय 1.2 मीटर पर सेकेंड। अज्यूम पेडेस्ट्रियन, अज्यूम नहीं होता, देखो टेक लिख दो, टेक पेडेस्ट्रियन स्पीड इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम बोल रहे हैं पेडेस्ट्रियन, ग्रीन टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन ऑफ ए, ग्रीन टाइम ऑफ पेडेस्ट्रियन एट ए, ए मतलब रोड ए, हम बोल रहे हैं रोड ए पर जो ग्रीन टाइम होगा पेडेस्ट्रियन का, पेडेस्ट्रियन का ग्रीन टाइम होगा, तो रोड क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेगा, पेडेस्ट्रियन ये रहा, पेडेस्ट्रियन ये रहा, हमने बोला ग्रीन टाइम है, पेडेस्ट्रियन का ग्रीन टाइम का मतलब क्या हुआ, पेडेस्ट्रियन जा सकता है, तो पेडेस्ट्रियन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो क्या मूव कर रहा है, विड्थ ही तो मूव कर रहा है, मैं बोल रही हूँ पेडेस्ट्रियन है इस पॉइंट पे और कहाँ जाएगा, जब रोड ए को क्रॉस कर रहा है तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको क्या क्या आपको उसको क्या करना पड़ रहा है, 12 मीटर जाना पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब ग्रीन टाइम ऑफ पेडेस्ट्रियन करूँगी, तो मैं बोल रही हूँ कि पहले उसको कितना निकालना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय स्पीड 1.2 लेना पड़ेगा। ठीक है, यही अप्रोक्सीमेट मेथड में करते थे। और साथ में क्या करते हैं अपन, साथ में 7 सेकंड जोड़ देते हैं, और 7 सेकंड क्या है, ये इनिशियल वॉकिंग पीरियड, सेम क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, वॉकिंग पीरियड है ये, सेम जो हमने किस में क्या था, अप्रोक्सीमेट मेथड में। जब भी अप्रोक्सीमेट मेथड करोगे या IRC करोगे, तो याद रखना कि पेडेस्ट्रियन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 7 जो है वो क्या है, इनिशियल वॉकिंग टाइम, और 7 के साथ अपने क्या किया, विड्थ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1.2, ये 1.2 क्या है, 1.2 है मीटर पर सेकेंड में स्पीड, किसकी स्पीड है, पेडेस्ट्रियन की। हम बोल रहे हैं जब ग्रीन टाइम है पेडेस्ट्रियन का रोड ए पर और ग्रीन टाइम है पेडेस्ट्रियन का रोड बी पर, तो क्या करोगे, 7 प्लस में डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय 1.2, मतलब क्या हुआ, 7 प्लस में डब्ल्यू बी कहाँ है, डब्ल्यू बी है 6.6 डिवाइडेड बाय 1.2। ठीक है, ये कितना हुआ, देखो क्या निकालना है आपको, निकालना है वैल्यू 6.6 डिवाइडेड बाय 1.2, 5.5 प्लस में 7 कितना हुआ, 12.5 कितना हुआ, 12.5 सेकेंड। यदि हम बात करें इसकी, तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 1.2, ये क्या है, 12 है ना, तो यहाँ पे डब्ल्यू ए की जगह लिख दो 12, कितना हुआ 17 सेकेंड। मतलब स्टेप ए कंप्लीट हो गया, और स्टेप ए में हमें ये पता चल गया कि
हमें ये पता चल गया कि ग्रीन टाइम ऑफ पेडेस्ट्रियन एट रोड ए कितना है, 17 सेकंड है, और ग्रीन टाइम ऑफ पेडेस्ट्रियन एट बी कितना है, 12.5 सेकंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनना। हमने बोला कि अभी हमने क्या निकाला है, पेडेस्ट्रियन का ग्रीन टाइम निकाला है, ये स्टेप वन था। अब पेडेस्ट्रियन का ग्रीन टाइम निकाला है, इसका मतलब देखो यहां पर, एक बार देखो यहां पर क्या है कि जब हम रोड ए की बात करेंगे, ये रोड ए है और ये रोड क्या है, बी, हम पेडेस्ट्रियन, ये रहा पेडेस्ट्रियन, मूव कर रहा है यहां पर, ये रहा, ये तो हुआ रोड ए पर, रोड बी पर क्या हुआ, पेडेस्ट्रियन ये रहा और पेडेस्ट्रियन मूव कर रहा है यहां पर। सुनना, जब रोड ए पर पेडेस्ट्रियन ये था और पेडेस्ट्रियन मूव कर रहा है यहां पर, तो यहां पर क्या होगी, यहां पर होगी रेड लाइट, रेड लाइट होगी, तभी तो यहां के ट्रैफिक क्या है, ये ट्रैफिक क्या है, रुके हुए हैं और पेडेस्ट्रियन यहां जा पा रहा है। और यदि जब हम बोल रहे हैं यहां पर ट्रैफिक जो है, यहां पर क्या होगा, यहां पर जा रहा है रोड बी पर पेडेस्ट्रियन, जब है पेडेस्ट्रियन के लिए जब ग्रीन टाइम है यहां पर, तो इसमें क्या होगा, रोड बी के लिए क्या होगा, यहां पर रेड टाइम होगा। ये याद रखना कि जब आप पेडेस्ट्रियन की बात कर रहे हो, तो पेडेस्ट्रियन जब ग्रीन टाइम दे रहा है रोड बी का, तो वो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, रेड टाइम होगा रोड ए का। मैंने कहने का मतलब ये है कि स्टेप टू में क्या लिखना है, इसमें कि ग्रीन टाइम फॉर रोड ए इक्वल टू पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम ऑफ रोड बी। मतलब क्या हुआ, ग्रीन टाइम जब रोड ए के बारे में कर रहे हैं कि ग्रीन टाइम रोड ए का होगा, वो किसके बराबर होगा, ग्रीन टाइम ऑफ पेडेस्ट्रियन बी के बराबर होगा, क्योंकि ग्रीन टाइम जब पेडेस्ट्रियन बी पर ग्रीन टाइम था, तब क्या होता है, वहां पे रेड टाइम था, तो हमने बोला वो दूसरे वाले अपोजिट रोड पे क्या होगा, ग्रीन टाइम होगा। हम बोल रहे हैं यहां पर ग्रीन टाइम जी ए बराबर जी पी ए होगा, मतलब क्या हुआ, जब इसका ग्रीन टाइम होगा तो उसका ग्रीन टाइम पेडेस्ट्रियन टाइम होगा। जी बी बराबर क्या लिख दूं मैं, ग्रीन टाइम ऑफ पेडेस्ट्रियन ए, सेकंड स्टेप। अब ये याद रखना, हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि ये 17 सेकंड है और ये क्या है, 12.5 सेकंड है। अप्रोक्सीमेट मेथड में आप क्या करते हो, आप लिखते हो जी ए डिवाइडेड बाय जी बी इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाय एन बी, मतलब इन दोनों का जो रेशो होगा, उन दोनों का रेशो, जो भी सेचुरेशन, जो भी फ्लो है, उनका रेशो के इक्वल होना चाहिए, या फिर अपन इस वाली इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। अब सुनना, हमने क्या बोला था लास्ट में भी कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको लेंगे, तो 17 सेकंड है और 12.5 है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 17, मतलब क्या हुआ, ग्रीन टाइम एट पेडेस्ट्रियन ए वो क्या है, 17 सेकंड। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रीन टाइम ऑफ बी तो 17 सेकंड है और ये कितना है, 12.5 सेकंड है, लेकिन हमेशा अपन मैक्सिमम को पहले लेते हैं, इसको हटा देंगे, हम ये मानेंगे कि ग्रीन टाइम ऑफ बी कितना माना हमने, 17 सेकंड। हम बोलेंगे कि ग्रीन टाइम ऑफ ए निकाल लो, कैसे निकालोगे, यहां से निकालेंगे अपन ग्रीन टाइम ऑफ ए बराबर में एन ए डिवाइडेड बाय एन बी इनटू में ग्रीन टाइम ऑफ बी, ग्रीन टाइम ऑफ बी 17 माना है, एन ए क्या है, ए रोड पर, और ए रोड पर कितना है, 1000 था, 1000 को डिवाइड किया था 2 से, मतलब क्या हुआ, 500 डिवाइडेड बाय इस वाले रोड पर कितना है दोनों में से, 300 और 200 में से मैक्सिमम कौन है, 300, तो हमने लिखा यहाँ पे 300। ठीक है, वैल्यू निकालो, ये हमने बोला ग्रीन टाइम ऑफ ए और ग्रीन टाइम ऑफ बी निकाला, 17 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 300 कितना आया, 28.333। हम बोल रहे हैं नियरली इक्वल टू 29 सेकंड, हमने ले लिया उसको 29 सेकंड, ये स्टेप टू होगा। अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक चल रहा है जो अप्रोक्सीमेट मेथड में किया था, क्या किया था कि सबसे पहले तो क्लियरेंस इंटरवल प्लस में आपका क्या था, वॉकिंग, इनिशियल वॉकिंग। तो क्या हुआ, सबसे पहले इनिशियल वॉकिंग 7 लेते हैं प्लस में डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय 1.2 मीटर पर सेकेंड से 17 सेकेंड आ गया फर्स्ट। फिर हमने पेडेस्ट्रियन व्हीकल निकाला 7 प्लस में डब्ल्यू बी बाय 1.2, तो उससे क्या हो गया, पेडेस्ट्रियन एट रोड बी आ गया। ये दोनों निकल गए, तब हम क्या कर रहे हैं कि ग्रीन टाइम फॉर रोड ए इक्वल होगा पेडेस्ट्रियन टाइम ऑफ अपोजिट रोड, तो वो हमने क्या किया, 12.5 और 17। अप्रोक्सीमेट मेथड में भी यही करते थे कि दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको लेंगे,
हमने मैक्सिमम किसको लिया, 17 सेकंड को लिया, और 17 सेकंड से जी ए निकाला। अब हमारे पास स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या हुआ, स्टेप थर्ड में क्या हुआ, आपके पास अभी क्या सीन चल रहा है कि आपके पास जी ए बराबर तो कितना आ रहा है 29 सेकंड, और जी बी बराबर हमने कितना लिया था 17 सेकंड। ये हमारे पास ग्रीन टाइम है, ठीक। हमको क्या पता है, हमको पता है कि हम अज्यूम क्या करते हैं कि हम एम्बर टाइम को अज्यूम करते हैं ए ए बराबर में 2 सेकंड और ए बी बराबर में भी 2 सेकंड। हमको ये पता है कि हम अम्बर टाइम को भी अज्यूम करते हैं, तो वो क्या हो गया 2 सेकंड और 2 सेकंड। और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ओल्ड रेड टाइम कितना है, एक रोड का 2 है, पर फेज बात कर रहे हैं, पर रोड का क्या है 2 है और प्लस 2 है, या फिर बोल सकते हो इनिशियली जो लॉस्ट हुआ है वो 2 और 2 है, तो हम बोल रहे हैं इनिशियली लॉस 2 प्लस 2 बराबर कितना हुआ है 4 सेकंड का इनिशियली लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हम करते थे सेम, हम बोल रहे हैं कि क्या करते थे यहाँ पर, साइकिल लेंथ निकालते थे या साइकिल टाइम लिख दूँ कि साइकिल टाइम निकालते थे, और साइकिल टाइम जो था सी नोट वो क्या होता था, ग्रीन टाइम ऑफ ए, रोड ए की बात कर लो, किसी की बात कर लो, ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। रोड ए ग्रीन टाइम एम्बर टाइम प्लस में रेड टाइम, इसको इक्वल कैसे लिखते थे, ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस में क्या बोलते उसको, एम्बर टाइम ऑफ ए प्लस में ग्रीन टाइम ऑफ बी प्लस में एम्बर टाइम ऑफ बी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन टाइम 29 सेकंड प्लस में 2 सेकंड प्लस में 17 सेकंड प्लस में 2 सेकंड प्लस में लॉस्ट टाइम प्लस में 4 इक्वल टू कितना हुआ, ये आपका जो हुआ है टोटल, ये आपका क्या हुआ साइकिल लेंथ, 29 प्लस में 2 प्लस में 17 प्लस में 2 प्लस में क्या हुआ 4, मतलब आया आपका 54 सेकंड। ये क्या है आपका 54 सेकंड आया साइकिल टाइम। अब क्या करना है, अब ये करना है, ये अप्रोक्सीमेट मेथड खत्म हुआ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मेथड खत्म हुआ, लेकिन एक चेक किसने दिया है, एक चेक दिया है किसने, आईआरसी ने अलग से क्या बोला है कि एक चेक लगाना है वेबस्टर के थ्रू लगाना है, और उसके बीच में एक और स्टेप, सेम अप्रोक्सीमेट मेथड हो गया यहाँ तक। अब हम बोल रहे हैं कि ठीक है स्टेप फोर पे आते हैं, और स्टेप फोर में क्या करना है, स्टेप फोर में करना है कि आपके पास ग्रीन टाइम, आपके पास साइकिल लेंथ आ गई, और अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ग्रीन टाइम जो आपने लिया है मिनिमम ग्रीन टाइम वो कितना लिया है। आपने ये बोला है कि मिनिमम ग्रीन टाइम जो होगा वो 29 सेकंड के अलावा होगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं ग्रीन टाइम ऑफ रोड ए रिवाइज्ड या फिर अकॉर्डिंग टू आईआरसी, ठीक है। ग्रीन टाइम ऑफ रोड ए क्या बोलता है, ये कि जी ए होना चाहिए 6 × 1 प्लस में एक्स ए माइनस 2, और एक्स ए क्या है, एक्स है ए है सेचुरेशन, मतलब क्या हुआ रोड ए का जो सेचुरेशन पॉइंट था, मतलब जो ट्रैफिक फ्लो था वो कितना था, ट्रैफिक फ्लो था 500 डिवाइडेड बाय साइकिल लेंथ, 500 सेचुरेशन डिवाइडेड बाय साइकिल लेंथ, और साइकिल लेंथ कितना था 54। ओके निकाल लो वैल्यू, हमने बोला ग्रीन टाइम 500 डिवाइडेड बाय 54 कितना हुआ 9.25 या 9.2 ले लो, ठीक है। हम बोल रहे हैं ग्रीन टाइम ऑफ ए कितना हुआ 6 प्लस में 9.2 माइनस 1 इंटू में 2, कितनी वैल्यू आई 9.2 माइनस में 1 इंटू में 2 प्लस में 6 कितना हुआ 22.4 सेकंड। सुनना, यहाँ पर आईआरसी ने बोला है कि 22.4 सेकंड, हमने क्या लिया था ग्रीन टाइम 29 सेकंड, जो हमने लिया है ग्रीन टाइम क्या है वो 29 सेकंड, वो क्या है ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ ये आपका चेक क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया कि पहली बात तो दो चेक होते हैं इसमें, या तो 16 सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए ग्रीन टाइम, तो ग्रीन टाइम 16 सेकंड से कम नहीं है, कितना है 22.4 है, लेकिन हमने कितना प्रोवाइड किया है, हमने क्या प्रोवाइड किया है, हमने 29 सेकंड प्रोवाइड किया है, और 29 सेकंड हमने प्रोवाइड किया है और वो इससे ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ ओके। सेम चीज किसके साथ करेंगे, जी बी के साथ, ग्रीन बी जी बी इक्वल्स टू 6 × 1 प्लस में एक्स बी माइनस में 1 इंटू में 2 सेकंड, सेम चीज। और एक्स बी क्या है, एक्स बी है 300 डिवाइडेड बाय साइकिल लेंथ 54, कितना हुआ 300 डिवाइडेड बाय 54
कितना हुआ 5.55। हम बोल रहे हैं जी बी इक्वल्स टू 6 × 6 प्लस में 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 कितना हुआ लगभग 15 और जो हमने प्रोवाइड किया वो कितना है 17। मतलब क्या हुआ, हमने जो प्रोवाइड किया है उससे क्या है ये कम है, मतलब ओके। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो दो इक्वेशन है वो स्पेशली आईआरसी के लिए है। आईआरसी क्या बोलता है कि आपने यहाँ से ग्रीन टाइम निकाल लिया और अब उसको आईआरसी के इसमें फॉर्मूले से चेक कर लो। फॉर्मूला क्या है, 6 × 1 एक्स ए माइनस 1 इंटू में 2 और सेम 6 × एक्स बी माइनस 1 इंटू में 2। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इन दोनों से ही निकालने पर जो आपका ग्रीन टाइम आ रहा था वो हमारे जो प्रोवाइड किया है वो ग्रीन टाइम ज़्यादा है। हमने प्रोवाइड जो किया है वो ग्रीन टाइम कम होता तो क्या होता, चांसेस होते कि भाई साहब कि ये कम है और एक्सीडेंट हो सकते हैं या फिर जल्दी बंद हो सकता है। तो हमने बोला कि नहीं हमारा ज़्यादा है, तो सेफ साइड लेके चलो कि ज़्यादा है तो आपने प्रोवाइड करा है वो क्या है ठीक है। ये हो गया। अब अभी एक चीज़ क्या करनी है, अभी क्या कि अपन को वेबस्टर मेथड से वो चेक करना है। तो पहले मैं इसको हटा दूँ क्योंकि हमारा क्या है जो गिवन है वो 29 और 17 क्या हो गया फिक्स हो गया कि हमने 29 तो किसको ले दिया, ग्रीन टाइम ऑफ ए दे दिया और 17 कितना है ग्रीन टाइम ऑफ बी दे दिया। हमने बोला कि ये चेक हो गया, ये क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या बोल रहे हैं अब वेबस्टर से और चेक कर लो। और वेबस्टर से चेक करने के लिए अभी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई अपनी, लेकिन अपन को क्या करना है वेबस्टर से चेक करना है कि वेबस्टर से क्या चेक करना है कि जो वैल्यू है वो सही है या नहीं है। ठीक है, जो ये सैचुरेशन दे रखा है ये टोटल 4 लेन के लिए दे रखे हैं, ये दोनों 4 लेन के लिए सैचुरेशन दे रखे हैं। अब देखना, हम बोल रहे हैं वेबस्टर मेथड बाय चेक्ड बाय वेबस्टर मेथड। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आईआरसी मेथड जो है वो वेबस्टर और अप्रोक्सीमेट का दोनों का मिक्सचर है। हमने बोला वेबस्टर मेथड से चेक करो और वेबस्टर मेथड होता क्या है, वेबस्टर मेथड होता है आपका सी नोट इक्वल्स टू 1.5L प्लस में 5 1 माइनस में y। ओके, हम बोल रहे हैं कि जो L है वो कितना है लॉस्ट टाइम, टोटल लॉस्ट टाइम। तो आपको कल भी बताया था वेबस्टर मेथड में कि 2 × स्टार्टअप लॉस्ट टाइम प्लस में क्लियरेंस लॉस्ट टाइम जो कि एम्बर टाइम के बराबर होता है प्लस में आपका क्या है ऑल रेड टाइम, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम प्लस में क्लियरेंस टाइम प्लस में रेड टाइम पर फेज। देखो यहां पर क्या है 2 × लॉस्ट टाइम, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम मैंने बोला था आपको 2, हमने इसमें भी माना था स्टार्टिंग में 2 प्लस में एम्बर टाइम। क्लियरेंस टाइम को हम क्या बोलते हैं एम्बर टाइम को क्या लिया था अपन ने, एम्बर टाइम को लिया है 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड प्लस में रेड टाइम क्या है पर फेज रेड टाइम कितना लिया आपने 2, पर फेज रेड टाइम कितना हुआ आपने 4। हमने बोला है कि पर फेज रेड टाइम कितना हुआ है 4, तो हमने बोला कि मल्टीप्लाई कर दो कितना हुआ 16 सेकेंड। यदि आप ऐसे भी नहीं लो तो भी याद रखना अपन मिनिमम कितना लेंगे 16 सेकंड लेके चलेंगे। हम बोल रहे हैं y क्या होता है, y होता है y1 प्लस में y2 और y1 प्लस y2 कितना है, y1 प्लस y2 होता है q1 अपॉन में s1। q1 मतलब क्या हुआ a रोड और ये b रोड के लिए, तो qa sa और qb और sb, क्योंकि हम रोड की बात कर रहे हैं तो रोड a प्लस रोड b, तो रोड a रोड b के लिए सेम फॉर्मूला कल जो यूज किया था QA अपॉन में SB, तो QA उन दोनों का क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है 500 है या 200 है, इन दोनों में से 500 है 200 है, क्या है 500 है। लेकिन हमने क्या लिखा था कि जो सैचुरेशन है यहाँ पर, जो सैचुरेशन है वो किसके लिए दे रखा है 4 लेन के लिए दे रखा है, तो 4 लेन के हिसाब से 1000 और 400 में से कौन ज़्यादा है 1000 डिवाइडेड बाय सैचुरेशन 3150 और रोड बी के लिए कौन ज़्यादा है 300 डिवाइडेड बाय 1865 निकालो, 1000 डिवाइडेड बाय 3150 प्लस में 300 डिवाइडेड बाय 1865 कितना हुआ 0.47 आया। आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 1.5 × में 16 प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 0.47 कितना आया 1.5 × 16 प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.47 कितना आया
54.71 सेकेंड। जब हमने यहाँ पर किया था कितना आ रहा था 54 सेकेंड, यहाँ पर किया कितना आ रहा है 54.2 सेकेंड समथिंग। मतलब क्या हुआ कि जो आपने वेबस्टर से चेक किया है और जो आपका स्टार्टिंग में आपने किससे निकाला था अप्रोक्सीमेट मेथड से निकाला था, वो दोनों ही साइकिल लेंथ क्या है सेम है। मतलब यहाँ पे प्रूफ होता है कि दोनों ही क्या है, जो आपकी प्रोसेसिंग है आईआरसी की वो सही है। मतलब आपने क्या प्रोवाइड किया है, आपके पूरे क्वेश्चन का जो ग्रीन टाइम है वो कितना रहेगा 29 सेकेंड, क्योंकि 29 सेकेंड और ग्रीन टाइम ऑफ बी 17 सेकेंड से दोनों क्लियर हो रहे हैं कि जो आईआरसी का था वो भी क्लियर हो रहा है और जो आपका क्या था अभी अपने वेबस्टर से किया वो दोनों क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है का मतलब क्या हुआ, चेक को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब ग्रीन टाइम आपने प्रोवाइड किया है ए रोड के लिए 29 सेकेंड और ग्रीन टाइम बी रोड के लिए 17 सेकेंड प्रोवाइड किया है, एम्बर टाइम ऑफ ए का 2 सेकेंड, एम्बर टाइम ऑफ बी 2 सेकेंड और आपने यहाँ पर लॉस्ट टाइम कितना किया है 4 सेकेंड। ठीक है, मतलब बेसिकली आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, ग्रीन ग्रीन और वो क्या बोलते हैं एम्बर और ए बी। रेड टाइम और देख लो, रेड टाइम क्या होता है, रेड टाइम ऑफ ए बराबर होता है ग्रीन टाइम ऑफ बी प्लस में एम्बर टाइम ऑफ बी। कितना करोगे, ग्रीन टाइम ऑफ बी 17 प्लस में 2 19 सेकंड तो हो गया रेड टाइम ऑफ ए, और रेड टाइम ऑफ बी कैसे लिखोगे दोनों को, जी ए और जी बी 29 प्लस में 2 31 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईआरसी मेथड। आईआरसी मेथड दोनों का ही प्लस का था, मैंने आपको डायग्राम, मैं आपको सीधे क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको क्या होगी आपकी मेथड क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली किस में आता है, आईएएस में आ जाएगा आपके, लेकिन आपके गेट के लिए क्यों नहीं है, गेट के लिए क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं भी आपको कैलकुलेशन प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं मिली होगी, आपको हमेशा अप्रोक्सीमेट अपन वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो वो आपसे पूछते हैं कि इनिशियल इवोकिंग टाइप पूछ सकते हैं, क्लियरेंस पेडेस्ट्रियन टाइम ग्रीन टाइम पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है, क्वेश्चन जो है वो वेबसाइट पर ज़्यादा आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।